एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो सुंदर सी औरत बनकर मर्दों को अपने वश में करती, उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार कर खा जाती। इससे उसकी सुंदरता और जवानी बरकरार रहती थी। एक रात इन गांव वालों ने तो मेरे डर से रात को निकलना ही बंद कर दिया है, अब मैं किसे खाऊंगी। तभी हाईवे पर से एक गाड़ी गुजरने लग जाती है। जल्दी से इस गाड़ी के सामने आ जाती हूँ। चुड़ैल अपना सुंदर सा रूप लेकर गाड़ी के सामने आकर मदद मांगने लगती है। गाड़ी में तीन लोग होते हैं, नमन, उसकी बीवी सुधा और नमन का भाई नीलेश। अरे वहाँ कोई लड़की खड़ी है। तो उससे आपको क्या लेना देना? अरे भाभी जरा पूछ लेते हैं, उसे शायद हमारी कोई मदद चाहिए हो। नीलेश गाड़ी से उतर जाता है। नीलेश लड़की की खूबसूरती देखकर उससे आकर्षित हो जाता है। अरे वाह, शिकार मिल ही गया आखिर, लेकिन इसके साथ तो और भी लोग हैं, इसे ऐसे नहीं मार सकती। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हुआ? आप हमारी गाड़ी के सामने क्यों आ गई? मेरे पिताजी अब नहीं रहे और मैं अब अनाथ हो गई हूँ। मुझे ये गांव वाले बहुत परेशान करते हैं। चलो तुम हमारे साथ शहर चलो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है ठीक, तो हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे ऐसे तो ये लोग चले जाएंगे, मैं हाँ बोल देती हूँ। सुनिए, मैं चलूंगी आपके साथ। अरे वाह, हाँ बोल दिया। मोहिनी आके कार में बैठ जाती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे तुम किसी की भी कार में बैठ सकती हो? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे भाभी मैंने कहा इसे हमारे साथ चलने के लिए। नीलेश सबको मोहिनी की पूरी बात बता देता है। मैं इसे हमारे घर नहीं जाने दूंगी। अरे हम इसे अपना गेस्ट हाउस दे देंगे, हमें इसकी मदद तो करनी चाहिए। सुधा मोहिनी को ले जाने के लिए मान जाती है। सब शहर जाने लगते हैं। वैसे मोहिनी तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, अपनी भाभी को तो कभी सुंदर नहीं बोला तुमने। अरे यार समझा करो, तुम क्यों इनके बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो। हाँ हाँ, अब आप भी उसी की तारीफ कीजिए। सुधा मोहिनी से जलने लगती है। थोड़ी देर बाद सुधा की नजर शीशे में जाती है। शीशे में उसे मोहिनी की जगह चुड़ैल दिखाई देती है। मोहिनी भी देख लेती है कि सुधा ने उसका असली रूप देख लिया है। मोहिनी तुरंत ही शीशे में भी जादू करके अपना चुड़ैल वाला रूप छुपा लेती है। चुड़ैल, चुड़ैल! कहाँ है चुड़ैल? ये मोहिनी चुड़ैल है। दीदी ये क्या कह रही है आप, मैं क्यों चुड़ैल रहूंगी भला? सुधा बस बंद करो अपनी बकवास, चुपचाप रहो, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। मैंने अभी शीशे में चुड़ैल देखी थी, पता नहीं अब क्यों नहीं दिखाई दे रही। हाँ एक औरत को दूसरी खूबसूरत औरत चुड़ैली लगती है। सुधा चुप हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि उसने ऐसा क्यों देखा। चारों लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुबह का समय हो जाता है, इसलिए मोहिनी अपने चुड़ैल के रूप में नहीं आती और इंसान बनी रहती है। तुम हमारे गेस्ट हाउस में रहोगी और अगर तुम्हें इस घर में आना है तो तुम्हें मेरे घर के काम करने में मदद करनी होगी। जी दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, फिर लग जा काम पर, पहले झाड़ू लगा घर में। चुड़ैल पूरे घर में झाड़ू लगाती है। आह कमर अकड़ गई रे, अभी तक तो मैंने इस औरत को नर्क में भेज दिया होता, लेकिन अभी मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। सुधा मोहिनी से सारे घर का काम करवाती है। हाय मेरी कमर, क्या दिन आ गए हैं, चुड़ैल होकर भी कोई डर नहीं रहा मेरे से। मोहिनी किचन में खाना बनाने जाती है। चुड़ैल अपने असली रूप में आकर खाने में कुछ जादू कर देती है। खाना खाते ही नीलेश चुड़ैल से शादी करने की जिद करने लगता है। मैं मोहिनी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन भाई तू इतनी जल्दी फैसला कैसे ले सकता है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इस मोहिनी ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, इससे अगर देवर जी की शादी हो गई तो मैं इसी से काम करवाया करूंगी। सुधा नीलेश और मोहिनी की शादी तय कर देती है। अगली रात नीलेश पानी पीने बाहर आता है। वो मोहिनी को बाहर गार्डन में डांस करते हुए देखता है। हरिफा ये डांस करते हुए तो और भी खूबसूरत लगती है। नीलेश मोहिनी की तरफ जाने लगता है। मोहिनी अपने गेस्ट हाउस में वापस जा रही होती है। नीलेश भी उसके गेस्ट हाउस में जाता है और उसे गले लगा लेता है। चुड़ैल मौका देखकर नीलेश को मारने ही वाली होती है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि नीलेश बीमार है और बीमार इंसान को खाने से उसकी जवानी कम हो जाएगी। चल दूर हट मेरे से, आज के बाद मेरी तरफ देख भी लिया ना बहुत मारूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। नहीं भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करती। नीलेश किसी को बिना कुछ बोले ही कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर चला जाता है। कुछ दिन के बाद मोहिनी को नमन से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वो नमन को भी अपने वश में कर लेती है। एक दिन नमन मोहिनी को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है, तभी सुधा ये सब देख लेती है। नमन, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे अपनी बीवी को खाना खिला रहा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बीवी मैं हूँ। अब ये तेरा पति नहीं, अब ये मेरा पति हो गया है। मोहिनी अपने असली रूप में आ जाती है। तू चली जा यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तुम चुड़ैल हो। हाँ, और अब मुझे नमन से प्यार हो गया है, मैं उसे अपने साथ रखूंगी। तुम मेरे पति से मुझे अलग नहीं कर सकती। चुड़ैल सुधा को घर से निकाल देती है। नहीं, मैंने इस मोहिनी को क्यों रोका, इसे रोककर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। सुधा रोते रोते मंदिर जा रही होती है और वहाँ पर पंडित जी उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं। पंडित जी पूजा पाठ करके सुधा को एक त्रिशूल देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। सुधा त्रिशूल लेकर अपने घर जाती है। अच्छा तू फिर आ गई, मतलब तुझे अब मौत चाहिए। अपने पति को तुझ जैसी डायन से बचाने के लिए एक पत्नी कुछ भी कर सकती है। चुड़ैल सुधा का हाथ रोक लेती है और उसके हाथ से त्रिशूल फेंक देती है। देख, अब तेरे पति के सामने मैं तुझे मारूंगी। बचाओ, बचाओ। बीवी को यूं चिल्लाते देख नमन होश में आ जाता है। नमन त्रिशूल उठाता है और पीछे से चुड़ैल को त्रिशूल मार देता है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी शांति से रहने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए करणवीकपूर@gmail.com पर।